सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MSBT की तरफ से रिलीज़ हुआ सबसे लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जो रिलेटेड है आपके MSBT समर एग्जाम 2020 इंटरनल एक्सटर्नल और जो भी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपके यूनिट टेस्ट हैं, उससे रिलेटेड ये सर्कुलर है। तो इस वीडियो के अंदर आप जो है इस पूरे सर्कुलर के बारे में जानोगे क्या लिखा है इस पूरे सर्कुलर के अंदर। ये जो सर्कुलर है आप देख सकते हो, ये PDF फाइल है और ये जो पब्लिश हुआ है ये है कल यानी कि 21 अप्रैल 2020 को। तो गाइस इस सर्कुलर के अंदर ये बताया गया है कि भाई जो अपडेट्स हैं, जो भी MSBT ने अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि भाई आप जो है स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो है उनका सिलेबस कंप्लीट करो, उनके जो भी कुछ रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपकी चाशनी परीक्षा, प्रत्यक्षिक सैद्धांतिक परीक्षा मापदंड, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, आपके सबमिशन रिलेटेड हो, जो भी आपकी समर एग्ज़ाम है, तो ये जो है इसका अपडेटेड टाइम टेबल जो है वो लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है वेबसाइट यानी कि msbt.org.in के ऊपर जो है अपडेटेड टाइम टेबल आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद में ये बताते हैं कि भाई महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे कि भाई अब जो है आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हो, तब जो है ये जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे कि भाई किस वे में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करनी चाहिए और कैसे MSBT की जो समर 2020 एग्ज़ाम है, जो भी कॉलेजेस हैं वो कैसे उसे लेंगे। तो ये जो है इस सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बताया है। और थर्ड पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो है अभी तक जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, एक बार जो है सब डिसीजन हो जाएगा तो वो स्टूडेंट को जो है सबको जो है वेबसाइट के ऊपर जो है अपडेट कर देंगे, जैसे इन्होंने अभी सर्कुलर रिलीज़ करके किया है। तो गाइस इसके अंदर ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था, इससे पहले भी इन्होंने ऐसे जो लास्ट सर्कुलर था उसमें भी इन्होंने यही बताया था, लेकिन इनका ये सबसे अभी 21 अप्रैल 2020 का सर्कुलर है तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। तो गाइस आप लोग जो है मानकर चलिए, स्पेशली जो महाराष्ट्र स्टेट में जो कंडीशन है, अगर ये वर्स्ट होती जाएगी तो यार डेफिनेटली लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ तो खेल नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम इतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू लाइफ। सो देखते हैं होता क्या है आगे, लेकिन पॉइंट इज जस्ट कि एज अ पॉइंट ऑफ सेफ साइड स्टूडेंट की साइड से हमारा जो काम है वो स्टडी करना, तो हमें वो करना चाहिए, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।